मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, वे दलित आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते हैं। उनका काम तो ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। यह काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। राहुल शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलाय कला में सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया। राजधानी के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो था। एयर शो में सबसे पहले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग की। मनुआ भान टेकरी से दो चिनूक हेलीकॉप्टर्स के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में चार चेतक हेलीकॉप्टर उड़े। राजधानी भोपाल में पुराने भोपाल में 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक का जाम लगा रहा। शनिवार को भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर बड़े तालाब पर एयर शो आयोजित किया गया था। इसे देखने के लिए शहर भर के लोग दोपहिया और चार पहिया वाहन लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सड़कों और आसपास की गलियों में अपने वाहन पार्क कर दिए, इससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। पुराने शहर से नए शहर तक जाने के लिए घंटों तक वाहन रेंगते रहे। न्याय यात्रा पर निकली छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कहा कि उन्हें यात्रा बंद करने के लिए धमकियां मिल रही हैं। निशा ने कहा, मेरे साथियों के जरिए मुझे धमकाया जा रहा है कि इस यात्रा को बंद कर दें, क्या पता राजनीति में कब आप पर गोली चल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और ट्रक कुचल कर निकल जाएगा। हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सांसद राकेश सिंह को विधानसभा प्रत्याशी बनाकर शुभ संदेश दिया है। राकेश सिंह को आगे बड़ी भूमिका मिल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने से विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। पीयूष गोयल बोले, जबलपुर से मेरा गहरा लगाव है। जबलपुर में मेरे मामा मिलिट्री डेयरी फार्म में मैनेजर थे। मैं 1976 में आता था, जबलपुर में ही साइकिल को चलाना सीखा। जब सरकार में आए थे तब विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, आज 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।